राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में बांसवाड़ा जिले से हरिदेव जोशी वागड़ के लिए काफी कुछ प्रयास कर चुके हैं और बांसवाड़ा को हरा भरा बनाने में हरिदेव जोशी की अहम भूमिका भी रही है। 5 बार बांसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे हरिदेव जोशी कांग्रेस को इस क्षेत्र में मजबूती प्रदान करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा के गए हैं। आपको बता दें कि पिछली सरकार ने बांसवाड़ा को संभाग भी घोषित किया है। बांसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से 1 बार भवानी जोशी भाजपा से भी विधायक रहे हैं और राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री चिकित्सा विभाग से वो उसके पद पर भी कार्यरत रहे हैं। राजनीति की बात करें तो बांसवाड़ा विधानसभा पूरे वागड़ में अपने आप में एक अलग ही भूमिका निभाती है, लेकिन इस बार यहाँ से राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर क्या है जनता का मूड, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल हम बात करते हैं बांसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के चुनाव 2023 को लेकर। नमस्कार, मैं हूँ जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज़। 1977 में पहली बार इस सीट से 23,407 मतों के साथ हरिदेव जोशी कांग्रेस से विधायक बने थे और उनके सामने जेएनपी के केशव चंद 17,586 मतों के साथ दूसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 1980 के चुनाव में फिर से हरिदेव जोशी कांग्रेस से 26,925 मतों के साथ विजयी हुए थे। उनके सामने भाजपा के उम्मीदवार 6,718 मत हासिल कर दूसरे स्थान पर थे और 1985 के चुनाव की बात करें तो हरिदेव जोशी एक बार 38,485 मतों के साथ फिर यहां पर काबिज हुए थे और उनके सामने मणिलाल बोहरा भाजपा से 8,081 मतों के साथ सिमट कर रह गए थे। अब 1990 में एक बार फिर से हरिदेव जोशी कांग्रेस से 42,521 मतों के साथ विजयी हुए थे तो मणिलाल बोहरा भाजपा से 11,624 मतों के साथ चुनाव हार गए थे। बात करें 1993 के चुनाव की तो यहां पर पहली बार भाजपा से भवानी जोशी चुनाव लड़े थे और 26,376 मतों के साथ दूसरे स्थान पर रहे थे और हरिदेव जोशी कांग्रेस से एक बार फिर से यहां पर 41,500 मतों के साथ चुनाव जीत गए थे। 1998 के चुनाव में रमेश चंद्र कांग्रेस से 50,530 मतों के साथ विजयी हुए थे तो भवानी जोशी भाजपा से 24,983 मतों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। 2003 में पहली बार भवानी जोशी के नेतृत्व में 60,777 मतों के साथ भाजपा को विजय हासिल हुई तो कांग्रेस के रमेश चंद्र पंड्या 37,802 मतों के साथ चुनाव हार गए थे। 2008 की बात करें तो अर्जुन सिंह बामणिया यहाँ पर 47,753 मतों के साथ एक बार कांग्रेस को विजय दिलाने में कामयाब हुए थे तो वहीं धन सिंह रावत 31,904 मतों के साथ भाजपा को लेकर यहाँ पर दूसरे स्थान पर थे। अब 2013 की बात करें तो धन सिंह रावत भाजपा से एक बार फिर से विजयी हुए थे और 86,620 मतों के साथ जीत दर्ज करवाई थी। वहीं अर्जुन सिंह बामणिया को 56,569 मतों के साथ चुनाव हारना पड़ा। 2018 के चुनाव की बात करें तो अर्जुन सिंह बामणिया फिर से चुनाव जीत गए और कांग्रेस को विजय दिलाने में कामयाब हुए। 88,447 मत उन्होंने प्राप्त किए जबकि उनके सामने हकरूभाई मैड़ा भाजपा से 70,081 मतों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। अब आपको बता दें कि यहाँ पर पिछली बार भाजपा से धन सिंह रावत बागी उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े थे और 32,950 मत उन्होंने हासिल किए थे, अन्यथा भाजपा के हकरूभाई मैड़ा चुनाव जीत जाते। अब बात करते हैं 2023 के चुनाव की तो यहां पर फिलहाल भाजपा ने अपना कोई उम्मीदवार घोषित नहीं किया है और ना ही कांग्रेस ने। बात करें तीसरे दल के रूप में तो यहां पर भारत आदिवासी पार्टी, बीटीपी, आम आदमी पार्टी यहां से चुनाव लड़ सकती है। ऐसे में इस बार यहां से त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। फिलहाल ये कहना संभव नहीं है कि बांसवाड़ा विधानसभा सीट किसके खाते में जाएगी, लेकिन इतना तो तय है कि इस सीट पर जब विधायक के दावेदारों के चेहरे बिल्कुल साफ हो जाएंगे त्रिकोणीय मुकाबला ज़रूर देखने को मिलेगा। वैसे बात करें यहाँ की तो यहाँ की जो राजनीति है, जैसा कि हमने पहले ही बता दिया, राजस्थान के जो विधायक के रूप में यहाँ से हरिदेव जोशी 5 बार विधानसभा में गए हैं और मुख्यमंत्री बने हैं, मुख्यमंत्री का नेतृत्व किया है वागड़ से। एक मुख्यमंत्री के रूप में हरिदेव जोशी की यहाँ पर वागड़वासियों को जो सौगात मिली है और जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर कार्य किए हैं तो 5 बार जनता का समर्थन उन्हें प्राप्त हुआ है। लेकिन यहाँ पर बात करें भाजपा की तो भाजपा ने भी जब हरिदेव जोशी यहाँ से मुख्यमंत्री बतौर मुख्यमंत्री के बाद कांग्रेस का जो कमान है दूसरे लोगों ने संभाली, दूसरे नेताओं ने संभाली, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी कांग्रेस की पकड़ ढीली हुई तो भाजपा ने कब्जा सीट पर ज़रूर जमाया। और बात करें यहाँ पर विकास की तो विकास बांसवाड़ा का सर्वविदित है, सभी जानते ही हैं। जो भी रहा हो, हम ये नहीं कह रहे हैं कि कांग्रेस हो या बीजेपी, जो भी रहा हो बांसवाड़ा इस वक्त हमारे जो भारत का एक तरह से चेरापूंजी कहें तो
यहाँ पर पानी की जो कमी है कहीं पर नज़र नहीं आती है, चारों तरफ चौ दिशा में हरा भरा नज़र आता है। तो बांसवाड़ा में विकास तो ज़रूर हुआ है, लेकिन जहाँ तक हम बात करें सड़कों की, तो बड़े बड़े बांसवाड़ा में नेता होने के बावजूद भी सड़कों की जो हालत है वो बिल्कुल दयनीय है। और इस बार यहाँ से जो जिस तरह से अभी हम पिछले समय में देख रहे हैं, तीसरी पार्टी के रूप में भारत आदिवासी पार्टी BTP ने भी अपना जोर दमखम दिखाया। हालांकि डूंगरपुर जिले से 2 सीटें निकली थी, बांसवाड़ा से 5 विधानसभा सीटों वालों में से एक भी सीट नहीं निकल पाई थी, लेकिन इस बार कुछ नहीं कह सकते क्योंकि इस बार के जो समीकरण हैं बिल्कुल अलग तरह से बन रहे हैं। और जिस तरह से बांसवाड़ा का सड़कों की हम बात करें, विकास की हम बात करें, तो कहीं ना कहीं इस बार इस विधानसभा चुनाव में कुछ बांसवाड़ा विधानसभा सीट से उलटफेर करने की जनता आशा रखती है। सागवाड़ा लाइव न्यूज ब्यूरो से चुनावी विश्लेषण के साथ में जितेंद्र सिंह चौहान, धन्यवाद। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।